फोकस डोंट ट्राई टू डू एवरी एट वन स्टेप कुछ नहीं होता है दोस्तों सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें एक एक वक्त में कदम उठाए दूसरा अगर आप उन चीजों को खरीदते जिनकी आपको जरूरत नहीं तो आपको वो चीजें भी बेचनी पड़ जाएंगी जिनको आपकी बहुत जरूरत थी तीसरा इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी दोस्तों अमीर बनने की ये प्रॉब्लम नहीं है कि अमीर कैसे बने हम में से ज्यादातर लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं। सबसे मुश्किल चीज है ऐसा कुछ कर दिखाना ये आसान तो नहीं है अगर आसान होता तो इस दुनिया में अभी तक सब लोग अमीर बन गए होते अब आपको खड़े होके खुद को मिरर में देखने की जरूरत है तो आपको वो आदमी दिखाई देगा जो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो फिर कामयाबी तय है तो इसीलिए टोटल मनी मेक ओवर चैलेंज असल में आप खुद हैं, आप ही प्रॉब्लम हैं और आप ही सोल्यूशन हैं। तो सिर्फ अपने आप को बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही है आज मैं मेघना रोयडा आपको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट ग्रुप वारंट बफेट के बारे में बताऊंगी दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि वॉरेन बफे स्टॉक को कैसे चुनते हैं वो बिजनेस की रिसर्च कैसे करते हैं या वो स्टॉक्स की इंटरसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं उन स्टॉक्स के लिए कितना पे करते हैं ये सब कोई नहीं समझाता लेकिन वॉरेन एवरी ईयर अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं इन बर्क शेयर लेटर डू शेयर में वॉरेन बफे ने कहा था कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई मतलब अगर तू नींद में भी पैसा नहीं कमा पा रहा सोते सोते तो तुझे सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के कुछ प्रैक्टिकल लेसन बताने वाली हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो की आपको पूरी लाइफ टाइम में काम आएंगी चलिए जल्दी ऐसी शुरू करते हैं दोस्तों हर साल फोर्थ मैगजीन दुनिया की सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट पब्लिश करती है जिसमे पिछले तीस सालों से एक नाम हमेशा आ रहा है इनफैक्ट 20 सालों से वो नाम टॉप फाइव में आ रहा है वो नाम है वॉरेन बफे का जो खुद में एक रिकॉर्ड है दोस्तों और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस आदमी ने अपनी सारी दौलत इन्वेस्टिंग की वजह से ही कमाई है चलिए वॉरेन बफेट की इंटरेस्टिंग लेसन को समझते हैं लेसन नंबर वन डोंट बाय अ अ स्टॉक बाय बिजनेस दोस्तों दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करके ही अमीर बनते हैं अब ये बात आप सब लोगो को पता ही होगी क्यूँकी सैलरी से ज्यादा से ज्यादा इंसान अपना खर्चा ही निकाल सकता है तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं दोस्तों उसका आंसर सिंपल है वो है दूसरों के बिजनेस में पार्टनर बन जाएं। इसीलिए वॉरेन बफेट ने यहाँ ये सजेस्ट किया है कि आप स्टॉक ट्रेडिंग माइंडसेट को आप बिजनेस इन्वेस्टिंग माइंडसेट में चेंज कर दे अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको लेकिन थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और उसका एक रीजन ये है कि ट्रेडिंग के ट्रेडिंग से आप इतना अमीर नहीं बन सकते जितना आप इन्वेस्टिंग से बन सकते हो और वॉरेन बफेट अपनी यंग एज में वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक यूज करते थे और खुद ही सालों में स्टॉक्स को बेच देते दे थे और एक बार वॉरेन बफेट ने अपनी मीटिंग में खुद कहा था कि वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देते दे थे क्योंकि उन्होंने जब एक्चुअली इन्वेस्टिंग करना शुरू की यानी स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना शुरू कर दिया तब जाके उनकी कंपनी बर्कश हैथवे की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के जरिए और ये और क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई बिजनेस आप कोई बिजनेसमैन अपने स्टॉक्स को बेचता और खरीदता रहता हो तो इसीलिए आपको स्टॉक्स को खरीदने से पहले उसके बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आप बिजनेस को समझोगे कैसे ये चीज हम वॉरेन बफेट से सीखते हैं वॉरेन बफेट बिजनेस को चार एंगल से एनालाइज करते हैं सबसे पहले बिजनेस क्वालिटी सेकेंड मैनेजमेंट क्वालिटी थर्ड फाइनेंशियल क्वालिटी और फोर्थ वेल्यूशन यानी रिजनेबल प्राइस इन चारों को हम डिटेल में समझेंगे लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे की सारी रिसर्च हम आम से इन्वेस्टर कैसे कर सकते हैं हमें तो इतनी सारी चीजें पता भी नहीं होती तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो वॉरेन बफेट यूजली साल में सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं उससे ज्यादा कंपनी के स्टॉक्स खरीदते ही नहीं यानी आपको भी जब इन्वेस्टिंग की जर्नी की इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको सिर्फ एक कंपनी की ही स्टॉक्स खरीदने हैं ना कि 10-15 कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं दोस्तों वॉरेन बफेट की एक टेक्निक है कि वो एक स्टॉक्स को चुनते हैं, उसकी अच्छी से रिसर्च करते हैं उसके बिजनेस को पूरा समझते हैं, और फिर जब उनको पसंद आता है तो वो उसे खरीदने का सोचते हैं दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि इस साल के लिए आपको एक बेस्ट कंपनी चूज करनी है तो उसके लिए आप क्या क्या रिसर्च करोगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो सबसे पहले सबसे पहला स्टेप है बिजनेस क्वालिटी बफेट का सबसे पहला रूल है कि वो ऐसे किसी भी कंपनी के स्टॉक्स नहीं लेते जिनका बिजनेस वो समझ नहीं पाते फिर चाहे वो स्टॉक कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो वो बिजनेस का प्रॉफिट कितना ही ज्यादा हो और वो स्टॉक कितने ही सस्ते में क्यों ना मिल रहा हो ये सब चीजें मैटर नहीं करती मैटर करती है तो सबसे पहला रूल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बिजनेस मतलब उस बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज उनकी ऑपरेशन उनके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उस कंपनी के पास ऐसा क्या एडवांटेज है जिसकी जिसकी वजह से उसके कॉम्पिटिटर्स उसकी प्रॉफिट छीन नहीं पा रहे यानी ऐसा क्या मोड़ है वॉरेन बफेट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए इसीलिए वॉरेन बफेट बिजनेस की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फिर चाहे उनको सालों साल किसी कंपनी में इन्वेस्ट न करने को मिले वो चल जाएगा क्योंकि वारंट बफेट का सबसे पहला इन्वेस्टिंग रूल है डोंट लूज मनी और रूल नंबर टू है डोंट फॉरगेट द रूल नंबर वन कि अगर आपने पैसा खोया तो उसके साथ आप फ्यूचर में जितना भी पैसा कंपाउंडिंग के जरिए कमा सकते थे आप वो भी खो दोगे। और दोस्तों बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए दो इम्पोर्टेंट रीजन हैं। और वो ये है कि उनको पता लगाना होता है कि क्या उस कंपनी के आने वाले 10 या 20 साल का सेल्स और प्रॉफिट वो इंक्रीज हो रहा है तो उसे वो एक अच्छी कंपनी मानेंगे और नहीं कर सकते तो वो चुपचाप उस कंपनी के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और दूसरी कंपनी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए वॉरेन बफेट ने 2015 तक कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं जिसकी वजह से जब 2000 एक में टेक कंपनीज की वजह से मार्केट क्रेश हुआ था तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था उनका कुछ लॉस ही नहीं हुआ था क्योंकि जो लोग 2000 में टेक कंपनीज के महंगे प्राइस पे स्टॉक्स खरीद रहे थे तो उनको खुद नहीं पता था कि बिजनेस कैसे काम करता है और ये बिजनेस प्रॉफिट कैसे कमाने वाला है और इसीलिए अगर आप कोई कंपनी की आने वाले दस या बीस साल को गेस नहीं कर सकते तो ये कंपनी कहाँ होगी मतलब उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टिंग नहीं है स्पेकुलेशन होता है दोस्तों स्पेकुलेशन का मतलब है कि कोई इन्वेस्टर शेयर खरीद रहा है लेकिन वो खुद श्योर नहीं है कि ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं इस प्रोसेस को हम आसान जबान में सट्टाबाजी भी कह सकते हैं अब दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कोिनोर एनर्जी लिमिटेड सी वाई ए एन एस पी एस पी डब्ल्यू एल के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप इन कंपनीज के बिजनेस को समझ पा रहे हो या इन्वेस्ट करने से पहले आप इस कंपनी के पे आउट रेशो देखें या डिविडेंड कितने दे रहे हैं फिर उस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले दोस्तों ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल शेल और पीएसओ कंपनी जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इनकी सर्विसेज तो हम हमने कई बार ली हैं या फिर यूबीएल बैंक ये एक फेमस बैंक है आप इस पे रिसर्च करें कि आप इन ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले 10 या 20 साल तक के प्रॉफिट्स को इजिल एनालाइज कर सकते हो और आपको पता है कि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं और ये आसानी से बंद होंगी भी नहीं और अगर आप चेक करोगे तो वारंट बफेट के पोर्टफोलियो में भी स्पेक्स या एनासा जैसी कंपनीज नहीं है बल्कि उनके पोर्टफोलियो में बहुत ही सिंपल कंपनीज हैं जैसे कि कोका कोला एप्पल अमेरिकन अमेरिकन एक्सप्रेस क्योंकि वो इन बिजनेस को इजिली एनालाइज कर सकते हैं अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी ये इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर बिजनेस जितना भी प्रॉफिटेबल हो अगर मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है चीटिंग या फ्रॉड कर रहा है अगर वो कंपनी को कोई भी फ्रॉड केस में पकड़ भी जाती है तो उसकी वजह से आपका पूरा पैसा डूब सकता है इसीलिए आपको कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जैसे सीईओ डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए और वॉरेन बफेट यही करते हैं इनफैक्ट वॉरेन बफेट चेक करते हैं की कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का थिंकिंग प्रोसेस क्या है क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं क्या वो अपने शेयर होल्डर्स को से किस तरह से बात करते हैं क्या मैनेजमेंट अपनी खुद की गलतियां मानता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वो फेल हो गया तो वो क्या तो क्या वो मार्केट को ब्लेम कर, करते हैं या खुद को ब्लेम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉरेन बफेट के हिसाब से जो मैनेजमेंट अपनी गलती पब्लिकली एक्सेप्ट करता है तो चांसेस है कि वो उसे ठीक भी करेगा इसीलिए वॉरेन बफेट के हिसाब से मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि यू कान मेक गुड डील विद बैड पीपल मतलब आप कोई भी अच्छी डील नहीं बना सकते किसी खराब लोगों के साथ तो तीसरा दोस्तों तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल क्वालिटी दोस्तों इसमें वॉरेन बफेट चार चीजें देखते हैं सबसे पहले जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो या फिर डेट यानी कर्जा हो ही नहीं क्योंकि जब कंपनी डेट फ्री होती है तो वो बंद ही नहीं होती है फाइनेंशियल क्वालिटी में दूसरा पॉइंट है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अपने शेयर होल्डर के लिए एक रुपए के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है हर साल जैसे वॉरेन बफेट अक्सर ट्वेंटी परसेंट के ऊपर ही कंपनी सेलेक्ट करते हैं तीसरी चीज है हाई प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है अच्छा बिजनेस को ढूँढ़ने के लिए क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि वो कंपनी प्राइस को लेके कम्पीट कर रही है कि वो कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसका जिससे वो कॉम्पिटिशन से हट ही नहीं पा रही है फोर्थ पॉइंट है कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड के थ्रू पे करने चाहिए और अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही तो उस रिटेन किए हुए प्रॉफिट से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का हक होता है और अगर उनको प्रॉफिट डिविडेंड के थ्रू नहीं मिल रहा तो वो एटलीस्ट प्राइस को बढ़ा के शेयर होल्डर्स का फायदा कर सकते हैं लेकिन अगर स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है तो वो कंपनी कैश को प्रॉपरली यूज नहीं कर रही तो फिर उस प्रॉफिट को कमाने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ क्यूँकी वो आप तक तो पहुँच ही नहीं रहा अब फोर पॉइंट है रीजनेबल प्राइस क्योंकि पहले जो तीन क्वालिटीज़ मैंने डिस्कस की हैं, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में ऑलरेडी हैं, लेकिन वॉर बफेट उनमें इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से वो काफी महंगी होती हैं। और दोस्तों अगर आप अच्छी कंपनीज़ को बहुत ज्यादा प्राइस पे शेयर खरीदते हैं तो भी आपके लॉस होने के चांसेस हैं या फिर आपको प्रॉफिट कम मिलेगा ये मिस्टेक्स अक्सर न्यू इन्वेस्टर ही करते हैं वो अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनके हिसाब उनके लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे करते हैं तो अब हम देखेंगे कि वॉरेन बफेट कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं तो सबसे पहले वो कंपनी का एंट्रेंसिंग वैल्यू निकालते हैं फिर उनके हिसाब से उसकी पूरी कंपनी की कितनी वैल्यू होगी वो पता लगाते हैं और ये वैल्यू हमेशा एक एस्टिमेट होता है यानी एक अंदाजा होता है क्योंकि आप किसी भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते ये हमेशा एक अंदाजा ही होता है और उस कंपनी के एस्टिमेट प्राइस को मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं अगर वो स्टॉक उनके एस्टिमेट प्राइस से सस्ता सेल हो रहा है तो वो उसको बाय करने का सोचते हैं अगर नहीं वो महंगा है तो वो उस पर वेट करते हैं दोस्तों तो ये ही चार पॉइंट जिनको वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं और आज वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसानों में गिने जाते हैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन को क्लिक करिएगा अल्लाह हाफिज